हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज। आप देख रहे हो न्यूज के फैक्ट चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोट पसंद आता है सबसे पहले पाने के लिए, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर थंबनेल तो देख लियो गाइस। यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स कोई सा भी डिवाइस है आपके पास, दोनों में से, या रेडमी नोट 10 भी, तो गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पीकर प्रॉब्लम हो रही, तो गाइस यहाँ पर 100% सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और आपकी यहाँ पर 100% यहाँ पर स्पीकर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, क्योंकि गाइस आप फिर मुझसे कहोगे कि जो आपका स्पीकर प्रॉब्लम है मेरा ठीक नहीं हुआ। तो गाइस अगर आपका स्पीकर प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्पीकर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और गाइस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको मुझसे पर्सनली बात करनी तो पर्सनली कर सकते हो। और गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, क्योंकि कोई भी मोबाइल से रिलेटेड एंड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हेलो गाइस, तो जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया हूँ। गाइस अब आपको यहाँ पर इस मैं जो सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मेरे पास मोबाइल है ये रेडमी नोट 10 है, बट गाइस यहाँ पर आपको जो रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट प्रो प्रो मैक्स सेम सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो आपके रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स में भी देखने के लिए मिल जाएंगी। गाइस आपको सेम सेटिंग करके देखनी है। गाइस यहाँ पर तीनों डिवाइस सेम सेटिंग होने वाली है, और यहाँ पर सेम डिवाइस होने वाले हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अबाउट फोन, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे आना, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑल स्पेस, इस पर गाइस यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कर्नल वर्जन। तो गाइस यहाँ पर आपको 1 से 5 बार जल्दी से टैप करना है, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो खुल के आएगा, एफ क्यू टेस्ट खुलकर आ गया। गाइस अब आपको यहाँ पर आपको चूज़ करना है जो आपका स्पीकर ख़राब है वो कौन सा ख़राब है, नीचे का या ऊपर का। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ऊपर का स्पीकर है वो टॉप स्पीकर है, और जो नीचे का स्पीकर है वो यहाँ पर बॉटम स्पीकर है। तो गाइस हम दोनों ही स्पीकर को टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो आपको ये यहाँ पर बोलेगा वो यहाँ पर आपको दबाना है, तो यहाँ पर ये बोला 7 4, तो यहाँ पर मैं दबा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस आपका जो इनपुट करेक्ट है वो यहाँ पर अंदर से, मतलब स्पीकर सही है। गाइस अब आपको नीचे वाला चेक कर लेना। गाइस देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है 1 4। तो गाइस जैसे मैंने टैप किया देख सकते हो इनपुट करेक्ट बता रहा है, ओके कर देना। गाइस अब आपको बैक आना, बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है आपको, देख सकते हो यहाँ पर टॉप स्पीकर और आपका बॉटम स्पीकर दोनों पास कर दिए गए। गाइस अब आपको बैक आना, बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग को फुल प्रोसेस देखना है गाइस, और आपका जो स्पीकर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर 100% गाइस सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो को गाइस यहाँ पर स्किप मत करना, जो भी रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स वाले जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो गाइस यहाँ पर फुल वीडियो को स्किप मत करना गाइस, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना गाइस। यहाँ पर आप मुझसे बाद में कमेंट करोगे कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। तो गाइस अब आपको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पर ऐप्स में जाकर आपको यहाँ पर जो आपका लॉन्चर है वो यहाँ पर क्लियर डाटा कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो मैं ऐप्स में गया, ऐप्स में जाने के बाद मैंने ऐप में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे एस बाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर एस बाई सर्च किया, आप देख सकते हो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एस बाई सर्च करने के बाद। गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पर जो मेरा सिस्टम लॉन्चर है वो यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है सिस्टम लॉन्चर, तो आपको इसको क्लियर डाटा कर देना। क्लियर डाटा करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा कर देना। गाइस क्लियर डाटा करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर डाटा कर दिया, क्लियर डाटा कर देना और क्लियर केचे भी कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपका जो सिस्टम यूआई है वो भी यहाँ पर क्लियर केचे कर देना है। करने के बाद गाइस यहाँ पर जो आपकी सेटिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, जितनी सेटिंग में बग थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हमने। क्लियर करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका जो स्पीकर प्रॉब्लम है, आपके जो अंदर से स्पीकर वो बिल्कुल सही है, फिर आपको जो प्रॉब्लम हो रही, तो गाइस आपको आपको क्या करना है देख सकते हो गाइस, आपको जाना एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में क्लियर स्पीकर। तो गाइस आपको एक बार स्पीकर को भी क्लियर कर लेना है, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो 30 सेकंड तक यहाँ पर चलने वाला, बट गाइस यहाँ पर मैं अभी काट देता हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, बट गाइस यहाँ पर आपको 30 सेकंड तक चलने देना, आपको स्पीकर क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गाइस यहाँ पर सेटिंग को फुल प्रोसेस देखना गाइस, ध्यान से वीडियो देखना गाइस, थोड़ा सा भी इसकी मत करना गाइस, आप ही बाद में कहोगे गाइस यहाँ पर जो आपने बताया उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, स्पीकर प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, तो इसलिए गाइस वीडियो को फुल प्रोसेस देखना। अब आपको क्या करना गाइस, स्पीकर के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एसेबिलिटी का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर विजन पर जाना है, विजन पर जाने के बाद गाइस सॉरी इस विजन या हियरिंग, तो गाइस हियरिंग पे मैंने टैप किया। हियरिंग पे जाने के बाद गाइस अब देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक सेटिंग है ऑडियो बैलेंस, तो गाइस यहाँ पर आपको इस सेटिंग को चेक कर लेना है, इस सेटिंग जो आपकी ऑडियो बैलेंस है वो यहाँ पर बैलेंस है या नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो मोनो ऑडियो, इसको आपको टैप नहीं करना है गाइस, इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अगर आपका जो ऑडियो है अगर इस ये क्लियर करता है आपकी, मतलब ईयरफोन लगा के सुनते हो ज़्यादा आवाज़ हो जाती है इससे थोड़ी, बट आपको यहाँ पर ईयरफोन तो मतलब नहीं है, आपका तो स्पीकर प्रॉब्लम है। तो गाइस आपको क्या करना है, ऑडियो बैलेंस है आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है गाइस यहाँ पर
जो आपका स्पीकर है एक बार इधर करके और आपको यहाँ पर यहीं पर लगा देना, आपको ऑडियो को बैलेंस कर देना गाइस, जो आपका ऑडियो बैलेंस है वो यहाँ पर, यहाँ पर गाइस यहाँ पर मेंटेन कर देना है बीचों बीच में। करने के बाद गाइस आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है गाइस, अभी भी आपका स्पीकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो गाइस आप क्या करोगे, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो आपने अपडेट किया था वो आपको अपडेट पर जाना है। अपडेट पर जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है गाइस, वीडियो को स्किप मत करना गाइस थोड़ा सा भी। तो आपने जो अपडेट किया था गाइस, तो अपडेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे आओगे, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, बट गाइस यहाँ पर आप डाउनलोड लेटर नहीं करोगे। यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है पता है गाइस, यहाँ पर आपको अपनी किसी की वाईफाई से यहाँ पर री अपडेट कर लेना आपका मोबाइल गाइस। यहाँ पर जितने भी उस अपडेट में बग आए होंगे वो यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं बाद में, तो आपको वहाँ पर दोबारा से री अपडेट कर लेना आपका मोबाइल। और गाइस यहाँ पर आप री अपडेट करोगे अपना मोबाइल तो ध्यान रखो गाइस, आप अपनी किसी दूसरे की वाईफाई से करो, आपके अपने मोबाइल खुद के डाटा से मत करा करो कभी भी गाइस। जब भी आप गाइस यहाँ पर अपडेट करते हो तो दूसरे के डाटा से दूसरी वाईफाई कनेक्ट कर ही आप अपने मोबाइल को अपडेट किया करो। और गाइस कभी भी अगर आप अपडेट आए तो तुरंत अपडेट मत किया करो, क्योंकि गाइस उस अपडेट में बहुत सारे बग आते हैं, तो तुरंत अपडेट मत किया करो, 10-15 दिन बाद कर लिया करो। एंड अगर आपने जल्दी से कर लिया तो गाइस यहाँ पर री अपडेट कर सकते हो, जो भी उसमें बग थे वो फिक्स कर दिए होंगे सामने की तरफ से, तो आपने री अपडेट कर सकते हो। री अपडेट करने के बाद गाइस आप क्या करना है, आपको देख सकते हो यहाँ बैक आना, बैक आने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, आपका जो स्पीकर है वो यहाँ पर चेक करना है गाइस, आपका जो स्पीकर है 100% गाइस सॉल्व हो चुका होगा गाइस। और मुझे यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना आपका रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स यहाँ पर इन दोनों तीनों डिवाइस में आपका जो स्पीकर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो पे वापस आ चुका हूँ गाइस, आपको यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर सेटिंग बताई है वो गाइस यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, कुछ जो आपकी सेटिंग है वो करने के बाद आपका जो स्पीकर प्रॉब्लम वो यहाँ पर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। 100% आपका स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और गाइस यहाँ पर अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज की वीडियो में बस इतना।